यहाँ पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस बेल आइकन पर क्लिक करें। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सलवार मोहरी डिजाइन शेयर करेंगे। ये मैंने बुकरम ली है और इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने 3 इंच रखी है और लंबाई आप अपनी मोहरी के हिसाब से रख सकते हैं। और एक मैंने ये कपड़ा लिया है। सबसे पहले हम कपड़े के ऊपर बुकरम को ऐसे रखेंगे और यहाँ से कपड़े को फोल्ड कर लेंगे और इस पे हम सिलाई लगा लेंगे। और यहाँ पे मैंने सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब हम दूसरी साइड में भी सिलाई लगाएंगे और यहाँ से हम कपड़े को फोल्ड नहीं करेंगे। ये हमने दूसरी साइड में भी सिलाई लगा ली है। अब इसको हम अपनी बॉटम के ऊपर अटैच करेंगे, यानी कि हम अपनी सलवार के ऊपर अटैच करेंगे इसको। यहाँ से हम इसको ऐसे रखेंगे सीधी साइड से और इस पे हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। ध्यान रखना है सिलाई आपको बुकरम के नीचे लगानी है। और ये मैंने यहाँ पे सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ से हल्का सा हम कपड़े को काट लेंगे और अब इसको हम नीचे की साइड मोड़ देंगे। इस तरह से नीचे की साइड मोड़ के और इस पे हम एक सिलाई यहाँ पे लगाएंगे और एक सिलाई हम यहाँ पे लगाएंगे। और ये हमने एक पैर का मार्जिन छोड़ के सिलाई लगाई है। अब हम बिल्कुल इसकी किनारी पे सिलाई लगाएंगे। ये हमने 2 सिलाई नीचे की साइड लगा ली है। अब हम इसी तरह से 2 सिलाई ऊपर की साइड लगाएंगे। एक सिलाई हमने यहाँ पे लगा ली है। अब हम एक पैर का मार्जिन छोड़ के दूसरी सिलाई लगा लेंगे। ये हमने दोनों साइड में दो दो सिलाई लगा के कंप्लीट कर ली है। अब हम इसका बीच सेंटर करेंगे। इस तरह से हम इसका बीच सेंटर कर लेंगे और अब हम देखिए यहाँ से बीच सेंटर से हम 6 इंच यहाँ पे इधर की साइड निशान लगाएंगे, क्योंकि हम 6 से 6.5 इंच तक मोहरी रखते हैं तो ये हम 6 इंच पे निशान लगाएंगे। अब इसके बाद हम इसको इधर की साइड बढ़ा लेंगे। डिजाइन को यहाँ पे हमने 7 इंच पे निशान लगा लिया है और अब हम यहाँ से यहाँ तक इसमें डिजाइन बनाएंगे। ये हम एक साइड में डिजाइन बनाएंगे जो बाहर की साइड पहुँचा रहेगा। बाहर की साइड में हम ये डिजाइन बना रहे हैं और यहाँ से हम डिजाइन बनाना शुरू करेंगे। ये मैं आपको चौक से निशान लगा के बता रही हूँ ताकि आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा डिजाइन इस तरह से। और अब हम इधर की साइड भी ऐसे ही बना लेंगे। और ये हमने डिजाइन बना लिया है। अब इसी डिजाइन के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे और ये हमने दूसरा कलर का धागा लिया है और ये हम इसी कलर के धागे से डिजाइन बनाएंगे। जैसे हमने डिजाइन चौक से ड्रॉ किया है उसी तरीके से हम इस पे सिलाई लगा लेंगे। और ध्यान रखना है आपको सिलाई बार बार नहीं धागा काटना है, एक ही सिलाई लगानी है पूरे डिजाइन पे ताकि हमारी सिलाई में चोट ना आए। इस तरह से हम एक ही सिलाई से पूरा डिजाइन बनाते जाएंगे। अब यहाँ पे हम इसमें छोटी बड़ी सिलाई लगाएंगे ताकि हमारा जो डिजाइन है खाली खाली ना दिखे। इस तरह से हम इसमें छोटी बड़ी सिलाई लगा लेंगे।
और देखिए इस तरह से हमने अपने पूरे डिजाइन में छोटी बड़ी सिलाई लगा ली है। और ये हमने सिलाई में कहीं पे भी जोंट नहीं लगाया है, एक ही सिलाई से हमने पूरा डिजाइन कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए। अब इसके बाद मैं आपको ये जो लास्ट वाली सिलाई लगाते हैं ये भी लगा के दिखाती हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए ये डिजाइन हमारा कैसा आएगा। अब यहाँ से देखिए हम मोहरी रखेंगे 6 इंच की। अगर आप इसकी मोहरी ज़्यादा रखना चाहते हैं तो आप ये 6.5-7 इंच भी रख सकते हैं। मैंने इसकी मोहरी 6 इंच रखी है और यहाँ पे मैं इस पे सिलाई लगा के आपको सीधा करके दिखाती हूँ। और ये मैंने पोंचा सीधा कर लिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये हमारा डिजाइन यहाँ से लेके और यहाँ तक आ गया है, और ये जगह हमारी खाली बच गई है। ये अंदर की साइड आएगी और ये बाहर की साइड आएगा। हम पूरी सलवार को कंप्लीट करेंगे तो ये बाहर की साइड आएगा। अब इसी तरीके से हम दूसरे पोंचे पे भी बाहर की साइड ही डिजाइन बनाएंगे। अब इसके बाद यहाँ पे हम एक मोती लगा लेंगे इसके बिल्कुल बीच सेंटर में। ये आप सुई धागे से भी लगा सकते हैं, मैं आपको ये गिलू से लगा के बता रही हूँ। ये मैंने यहाँ पे मोती लगा लिया है और ये डिजाइन हमारा एकदम कंप्लीट है, आप देख सकते हैं। इसी तरीके से हम दूसरे पोंचे पे भी डिजाइन बना लेंगे। और ये बहुत ही लेटेस्ट डिजाइन है, बहुत ज़्यादा चल रहा है आजकल, बहुत ही सुंदर लगता है। आपको ये पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।